एक अपडेट के द्वारा जितने भी गैलेक्सी यूजर्स हैं वो अब थर्ड पार्टी हार्डवेयर वॉलेट से क्रिप्टो करेंसीज को मैनेज और ट्रेड कर पाएंगे। सोनी कॉस्मिक रेड और मिडनाइट ब्लैक कलर्स में जल्द ही PS5 के डुअलसेंस कंट्रोलर्स को लॉन्च करने वाला है, जिन्हें कि उसने गैलेक्सी से इंस्पायर होकर डिजाइन किया है। गूगल असिस्टेंट में एक नई कलरफुल यूआई आने वाली है और इसी के साथ नई यूएस एप सेटिंग मेन्यू भी आने वाली है। कुछ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी A22 5G की स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकती है: मीडियाटेक डिमेंसिटी 700 प्रोसेसर, 48 MP मेन कैमरा, 5 MP मैक्रो और 2 MP डेप्थ। वन प्लस वॉच कोबाल्ट एडिशन चाइना में लॉन्च हो चुका है, जिसकी इंडियन रुपीज में प्राइस 18,200 है और इसके बारे में पता नहीं है कि ये इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं। गीगबेंच की लिस्टिंग के मुताबिक V2123A मॉडल नंबर के एक फोन जो कि मीडियाटेक डिमेंसिटी 900 पर आ सकता है, उस पर व्यूअर काम कर रहा है। बैरोग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के प्री रजिस्ट्रेशन 18 मई से स्टार्ट होने वाली है और जो भी प्री रजिस्टर करेगा उसे स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, और इसके बारे में बैरोग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ने कुछ भी नहीं बताया है।